नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सोमवार को गुलाबी गैंग के तत्वाधान में आशा उषा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं के संगठन के साथ दोपहर 2 बजे फब्बारा चौक से थाली बजाकर और शंखनाद करते हुए अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ जिनकी संख्या 500 के आसपास मौजूदगी में भोपाल में प्रदर्शन करने का शंखनाद किया गया। हड़ताल बंद होने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जब तक सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन कार्यकर्ताओं को नहीं मिल जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। आज जो है जिस तरीके की भ्रामक स्थिति पूरे प्रदेश में फैलाई गई है कि सरकार से बातचीत जारी है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है, इस तरीके की जो भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है बिल्कुल निराधार है। ये बिल्कुल निराधार है और ये हड़ताल तब तक जारी की रहेगी तब तक कि लिखित में कोई सरकार इनके लिए कोई निर्णायक स्थिति ना बनाए। जब तक लिखित में कोई पत्र नहीं आता है, ये हड़ताल छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ सागर, बालाघाट, सीमित जितने तमाम प्रदेश के जिले हैं ये लगातार हड़ताल जारी रखेंगे। और ये बड़ी अहम महत्वपूर्ण बात है कि निम्न स्तर के दर्जे से भी गिरा हुआ, मजदूर से भी गिरा वेतन आयोग अगर इनको दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, तो सरकार खुद अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है, इसको सोचना चाहिए और इस पर शीघ्र निर्णय अगर नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश की आशा उषा कार्यकर्ता है जो अपने अपने तरीके से आज हर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन जारी करे हुए हैं, जिसमें भोपाल में, भिंड में, सभी जगह गिरफ्तारियां भी की जा रही है, इनके साथ बदसलूकियां की जा रही हैं, जो बड़ी निंदा का विषय है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और गुलाबी गैंग संगठन जो पूरे देश में आज अपनी पहचान रखता है, माननीय संपत पाल जिनकी संस्थापक है, मैंने उनको भी निवेदन भेजा है कि आप अपनी टीम के साथ छिंदवाड़ा पधारें, क्योंकि भोपाल हम कूच करेंगे पूरी गुलाबी गैंग की टीम के साथ और अन्य ऐसे संस्था सहयोगी जो आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ, आप अपने अपने तरीके से अपने जिले में आंदोलन तैयार रखें। ये आंदोलन तब तक जारी रखना जब तक कोई पत्र में सरकार लिखित में ना दे देवे। दूसरी चीज कि आज जब कोविड में इनको कहा गया था कि सब घर पे रहेंगे, आप जनता की सेवा कर रहे हैं, आपको आना है, उस समय जब इन्होंने वेतन की परवाह ना करते हुए पूरे देश में अपनी सेवाएं दी, तो आज जब ये हड़ताल में बैठी हैं तो इनके हड़ताल का पैसा सरकार को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को दरकिनार करके, गर्भवती महिला एक अभी थी यहाँ बताना बुलाना बच्चा लेकर आई है, जो गर्भवती महिला भी अपने कोविड के दौरान जनता की सेवा की है, बच्चा ले लेकर महिलाएं सेवा की है, तो क्या इनके सेवा का कोई मूल्यांकन सरकार नहीं करेगी? ये तो सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी स्वयंसेवी संस्था संगठन जुड़े हैं उनका आदर भाव है, सबका स्वागत है, सब अपने तरीके से लड़े। और मैं उन राजनैतिक लोगों को आगाह कर दूं, आशा उषा कार्यकर्ताओं का मुद्दा राजनैतिक मुद्दा नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है कि कोई कहता है कांग्रेस के संरक्षण में, कोई कहता है सपा साथ दे रही, कोई कहता है बसपा साथ दे रही है, तो मैं बता दूं आशा उषा कार्यकर्ताओं का जो आज ये देश में मसला है, प्रदेश में मसला है, ये बहुत नाजुक मसला है। इस पर राजनीति करना बहुत गंदगी भरी मानसिकता को उजागर करता है। जो भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने आते हैं तो वह कंधे से कंधा मिलाकर अपने विपक्ष को निभाते हुए प्रदेश सरकार में आंदोलन में इनके साथ खड़े हों, फोटो खिंचाकर राजनीति ना करें। मैं आगाह कर दूं तमाम जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, वे निश्चित रूप से आए लेकिन फोटो खिंचाने नहीं, इनके साथ इनकी बात को विपक्ष में रखने के लिए आए, सदन में उठाएं कि आशा उषा कार्यकर्ताओं का क्यों निरादर किया जा रहा है। आशा उषा कार्यकर्ताओं को काम वाली बाई भी 5,000 उठाती है तनख्वाह, लेकिन आज इनको इतना निम्न स्तर का दर्जा दिया जाता है, इतनी छोटी तनख्वाह दी जाती है जिनसे इनका परिवार चलना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन आज इनके सम्मान के साथ भी सरकार ने खिलवाड़ किया है। और कहते हैं कि मेंटली हैरेसमेंट, पूरे प्रदेश में मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है इस समय आशा उषा कार्यकर्ता, जिसके तहत जो गर्भवती महिला भी है बच्चे लेकर भी जा रही है, ये गर्भवती महिला है, ये बच्चे लेकर जा रही है, अगर ये मानसिक प्रताड़ना से पूरे प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ता
वो गुजर रही है, तो हम राष्ट्रीय महिला आयोग को आवेदन देंगे, हम मानव अधिकार आयोग को आंदोलन देंगे, हम राज्य महिला आयोग को इसका जो है आवेदन देंगे, हम संबंधित तमाम मिनिस्ट्री में इसके आवेदन लगाएंगे। क्या भारत देश की न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं या भारत देश में न्याय की मूर्तियों की बात करूं, तो देश के ऐसे नेता बहरे हो गए हैं क्या, प्रदेश के ऐसे नेता बहरे हो गए हैं क्या, इनकी संवेदनाओं को सुनने में और देखने में असमर्थ है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसी छोटी-छोटी बच्चों को लेके आ रही है। प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि आप गांव गांव और हर घर हर आशा को, एक मैदानी आशा को पहचाने कि वो किस स्तर पर किस परिस्थिति में काम कर रही है। हमारे बीच एक हमारी गर्भवती आशा कार्यकर्ता से पूछिए कि वो कोविड 19 में उसने कैसे काम करी। जब शासन प्रशासन कह रहा था कि सब लोग कोई घर से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसरी में रहे, वह समय में हमारी आशा कार्यकर्ता को कहा जा रहा था कि आप गांव में जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उनका स्क्रीन किया जाए, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। वह समय में ये पूछो कि हमारी गर्भवती महिला, हमारी गर्भवती आशा ने कैसे काम करी है जी बताइए। मेरा बच्चा 1-2 साल का है और मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट के दौरान भी मैंने कोरोना में मतलब काम किया है, घर घर जाकर सर्वे किया है, स्क्रीनिंग भी किया है। अब ये बताइए कि इसमें मैंने कैसे काम किया होगा, फिर भी इतनी मुसीबत से काम किया होगा, फिर भी सरकार को पेमेंट का सरकार हमारी बात अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है, न कोई सुनने को खाली है। अब सोचिए हमने कैसे किए होंगे अगर हमारी गर्भवती महिला। क्या नाम आपका? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तो पूरा नहीं कर पाते। क्या नाम आपका? मेरा नाम गीता काटरे है, मैं यूरा वासुदेव की आशा कार्यकर्ता हूँ।